हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंडा मसाला की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए हमने 3 अंडे बॉईल करके ले लिए हैं, 2 प्याज और 5-6 कलियाँ लहसुन को पीस लिया है, टमाटर, 3 मिर्ची और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जीरा, गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक और गार्निश के लिए धनिया लिया है। और इसमें हमने कढ़ाई में 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा को लाल होने तक भूनेंगे। अभी इसमें हम प्याज और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। और इसे भूनेंगे। अभी हमारा प्याज भून गया है, अभी इसमें हम टमाटर, अदरक और मिर्ची की पीरू डालेंगे और इसे भूनेंगे। अब इसमें हम हल्दी, डेढ़ स्पून गरम मसाला, 1 स्पून लाल मिर्ची और इतना नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। तेल छूटने तक इसे हम भूनेंगे। अब यह हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इन अंडों को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, अभी इसमें हम अंडे डालेंगे। और इसे हम बॉईल आने देंगे। अब ये हमारा अंडा मसाला तैयार हो गया है, इसे बॉईल आ गया है और इसे हमने 2-3 मिनट पका लिया है और इसमें अभी अच्छे से पक गया है, खाने के लिए रेडी हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसे मिला देंगे और अब इसे सर्व करेंगे। अभी अंडा मसाला मैंने सर्व कर दिया है, उसको धनिया से गार्निश कर दिया है। अब ये खाने के लिए रेडी है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।